हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैंटेसी फैक्टर। इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाला रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज का जो दूसरा मुकाबला होगा, वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स ये छठवां मुकाबला है, क्योंकि चार मुकाबले आप लोगों को पता है कि 2020 में ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से फ्रेंड्स नहीं हो पाए थे पूरे, वो इस साल पूरे हो रहे हैं, जिसका कि पहला मुकाबला कल हो गया है। कल की मैच की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है इंडिया ने शानदार तरीके से विन किया यहाँ पर बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स यहाँ पे जो चेज करने वाली टीम थी, यानी कि इंडिया ने फ्रेंड्स पहले यहाँ पे फील्डिंग चूज की, फिर यहाँ पे चेज किया तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विन किया, पूरे 10 विकेट से यहाँ पे मुकाबले को विन किया। और आप लोगों ने देखा कि इंडिया की तरफ से फ्रेंड्स जो स्पिनर थे उन्हें बहुत अच्छे यहाँ पे विकेट मिले थे। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इस पिच के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फ्रेंड्स स्पिनरों को बहुत अच्छे यहाँ पे विकेट मिल जा रही है एज कंपेयर टू पेसर। ठीक है, पेसर को यहाँ पे थोड़ी सी कम विकेट मिली अकॉर्डिंग टू स्पिनर। अब हम लोग फ्रेंड्स इस मुकाबले की बात करेंगे तो ये दूसरा मुकाबला होने वाला, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो श्रीलंका लेजेंड्स की टीम है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर भी यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, वेस्ट इंडीज की तरफ से तो है ही फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई एज ए प्लेयर भी है फ्रेंड्स जो 50+ ईयर के हैं, लेकिन उनकी फॉर्म बहुत गजब की है। जैसे ब्रेन लारा की बात करूँ तो 51 ईयर के हैं फ्रेंड्स वो, और फ्रेंड्स उन्होंने जो लास्ट के मैच हुए थे एक यहाँ पर वेस्ट इंडीज में सीरीज हुई थी जहाँ पर 30 रन बनाने थे फ्रेंड्स, तो बहुत क्विकली उन्होंने 30 रन बना दिए थे, जहाँ पर बहुत अच्छी बाउंड्रीज भी उन्होंने मारी थी। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अगर दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करके देखूं तो यार यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एज के हिसाब से यहाँ पे श्रीलंका को ये मुकाबला विन करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका के पास आप लोगों को बताऊँ बहुत गजब के प्लेयर यहाँ पे जो कि इनकी फॉर्म बहुत गजब की है। तो चलिए एक एक करके फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्लेयरों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी यार वीडियो को लाइक जरूर से आप लोग कर देना। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फ्रेंड्स आप लोग को जो ये पिच है यहाँ पे जो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स 150 से 160 के बीच में ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे रन बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऑन एन एवरेज अगर एक स्कोर की बात करो तो 150 आप लोग एवरेज यहाँ पे मान के चल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग अगर देखोगे जो भी टीम यहाँ पे टॉस विन करेगी तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे फील्डिंग को चूज करेगी और चेज करना पसंद करेगी, क्योंकि चेजिंग का रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी गजब का। ठीक है, लास्ट 6 मैचों की बात करो तो फ्रेंड्स 5 मुकाबले यहाँ पे चेज करने वाली टीम ने विन किया, यानी कि जो चेजिंग का पे रिकॉर्ड है काफी गजब का है, तो आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना। ठीक है, जो फर्स्ट इनिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे बॉलिंग कराएंगे उनके देख सकते हो, उनके जो स्पिनर बॉलर है उनको अच्छी खासी हेल्प यहाँ पे मिलती है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनरों का यहाँ पे बॉल वाला अच्छा रहता है इस पिच पे, तो ये चीज आप लोगों ने कल के मुकाबले में भी देखी, क्योंकि वही चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे यार बात करेंगे यहाँ पे दोनों टीमों के प्लेयरों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे श्रीलंका लेजेंड्स की तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तिलक करतने दिलसन यहाँ पे ओपन करने आएंगे, जिनका मैं ओवरऑल रिकॉर्ड बताऊँ तो फ्रेंड्स 221 मैच इन्होंने खेले हैं और देख सकते हैं 51-93 रन यहाँ पे और 64 विकेट भी, यानी बॉलिंग से आप लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन बैटिंग काफी जबरदस्त है। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे इनके साथ आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सनत जयसूर्प्रिया। ठीक है, बात करो तो थोड़ा सा यहाँ पे सीनियर ये जरूर है, ठीक है, यहाँ पे अराउंड 50 इनकी एज है फ्रेंड्स, यहाँ पे 111 मुकाबले इन्होंने खेले हैं और यहाँ पे 2317 रन प्लस यहाँ पे आप लोग देखोगे 70 विकेट भी इन्होंने निकाले, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी होंगे। उपुल तरंगा यार सबसे यंग प्लेयर है इनकी तरफ से, आप लोगों ने देखा जो रिसेंट 2019 में यहाँ पे सीरीज हुई थी उसमें भी उपुल तरंगा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, यानी कि क्रिकेट के बहुत अच्छे टच में है, 125 मैच खेले हैं और देख सकते हो 3384 रनों का योगदान इनका अभी तक है। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे चमारा कपू गेदरा, आप लोगों को बताया रिसेंटली ये मैच खेल के आए हैं, बहुत ज्यादा यंग प्लेयर यहाँ पे, ठीक है, 111 मैच खेले हैं और 2317 रन यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं, तो फ्रेंड्स इनके पास सिर्फ बहुत ज्यादा यंग टैलेंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे इस सीरीज में देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छा यहाँ पे मेरे हिसाब से कर सकती है श्रीलंका की टीम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे चमारा सिल्वा है, 124 मैच खेले हैं, 2022 रन इन्होंने बनाए, तो काफी अच्छा इनका स्ट्राइक रेट है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे रसेल एंड्रोल्ड है, 4 मैच खेले हैं और 81 रन इन्होंने भी बनाए हैं, तो ये भी अच्छे खासे प्लेयर है, लगभग 20 के अराउंड इनका एवरेज है। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे फरवीज महफरूफ है, देख सकते हो 99 मैच खेले हैं और 948 रन प्लस यहाँ पे 94 विकेट इन्होंने निकाले, तो ये भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। ठीक है, तो एक आध आप लोग मान सकते हो कि विकेट भी ले लेंगे और रन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगभग 10 का एवरेज है, तो ग्रैंड लीग वगैरह में आप लोग ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे नवन कुलसेकरा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स 112 मैच खेले हैं और 125 विकेट यहाँ पे निकाले, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए सीरीज के लिए हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अजंता मेंडिस है, आप लोगों को बताया रिसेंटली ये मैच खेल के आए, तो इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 129 यहाँ पे मैच खेले हैं और 170 विकेट निकाले, यानी कि हर दूसरे मैच पर ये 2 विकेट यहाँ पे निकाल के देंगे आप लोग को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आप लोग के लिए यहाँ पे ये होने वाले। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे यहाँ पे इनकी तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पे दमिका प्रसाद आएंगे, 21 मैच खेले, 19 विकेट निकाले, तो ये भी अच्छे खासे यहाँ पे विकेट टेकिंग यहाँ पे बॉलर है। ठीक है, एक मैच में 1 विकेट का एवरेज आप लोग मान के चल सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड्स रंगना हैरत है, ठीक है, 53 मैच खेले, 57 विकेट निकाले, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग के लिए रूकी रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की बात करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की तरफ से स्मिथ यहाँ पे फ्रेंड्स ओपन करने आएंगे, 337 मैच खेले हैं और आप लोगों को पता कितने अच्छे प्लेयर इनके बारे में आई ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स 7800
70 रन इन्होंने यहाँ पे टोटल बनाए हैं, ठीक है, काफ़ी गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस इनका रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पे विलियम परकिंस है, ठीक है, 157 मैच खेले, 1,084 रन इन्होंने बनाए। ब्रेन ला रहा है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट के 3 मैचों की इनके परफॉर्मेंस की बात करूँ, वैसे कैरियर का तो बहुत गजब का है। एक टेस्ट मैच में आप लोग को बता 400+ रन हो गया, 400 रनों की यहाँ पे इनिंग खेली थी, तो आप लोग इससे भी जान सकते हो कि कितना अच्छा पोटेंशियल इस बंदे में है, क्लास से लेकर और यहाँ पे फ्रेंड्स एग्रेसिव बैट्समैन तक काफ़ी अच्छा ये माना जाता है, ठीक है। तो ब्रेन लारा सर को तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे 3 मैचों का यहाँ पे 99 रनों का कंट्रीब्यूट किया था, जो लास्ट के 3 मैच है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स कैल होपर की बात करूँ तो 10 मैच खेले हैं, यहाँ पे देख सकते हो 162 यहाँ पे रन बनाए हैं और यहाँ पे 8 विकेट निकाल के दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे रिडली जैसप है, ठीक है, आप लोग देखोगे 2 मैच खेले हैं, 45 रन इन्होंने बनाए, तो ठीक ठाक प्लेयर है। फिर यहाँ पे महेंद्रा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो 7 मैच में 9 विकेट इन्होंने निकाले। फिर यहाँ पे देख सकते हो नरसिंह है फ्रेंड्स, देख सकते हो नरसिंह ने भी यहाँ पे 42 मैच खेले, 28 विकेट निकाले, 528 रन यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेट्रो कॉलिन है, पेट्रो कॉलिन ने 29 मैच खेले, 26 विकेट यहाँ पे निकाले। फिर यहाँ पे टीनो बेस्ट है, टीनो बेस्ट ने 55 मैच में 51 विकेट यहाँ पे निकाले, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे सुलेमान बेन है, देख सकते हो यहाँ पे 96 मैच यहाँ पे खेले हैं, 88 विकेट यहाँ पे निकाले, तो अच्छे प्लेयर ये भी मुझे लगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स रियान ऑस्टिन है, 3 मैच खेले हैं, 3 विकेट यहाँ पे निकाले हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इन प्लेयरों का जो रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोग मान के चल सकते हो, रिसेंट के मैच हैं उनका मैंने आप लोग के लिए ये स्टैट्स निकाल के रखे थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया। इनमें से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे उनके साथ हम लोग यहाँ पे अपनी ड्रीम टीम बनाएंगे, तो चले चलते सिंपली ड्रीम 11 की टीम की तरफ। तो टीम मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे बना के रखी, सिंपली मैं आप लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच के लिए वो होने वाले हैं उनके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। पे देख सकते हो फ्रेंड्स विकेट कीपर सेक्शन में हमने यहाँ पे चमारा कपू गिदरा को लिया, आप लोगों को पता काफ़ी अच्छे यंग अभी प्लेयर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे है, मैंने आप लोगों को अभी रिकॉर्ड बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंडिंग में आप लोग यहाँ पे जैकॉब्स को भी यहाँ पे ट्राई करके चल सकते हो, जैकॉब्स का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, उतना अच्छा नहीं है स्मॉल लीग के लिए, तो ग्रैंडिंग में आप लोग यहाँ पे जैकॉब के साथ जाना। बाकी बैटिंग सेक्शन में बात करूँगा तो उपुल तरंगा के बारे में आप लोग जानते हो, काफ़ी यंग टैलेंटेड बैट्समैन है, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लास है इनकी, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स इनको सिंपली यहाँ पे लेके चलिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे जयसूर प्रिया को लिया, ठीक है। जयसूर प्रिया को अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप लोग ड्रॉप करके भी चल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा सीनियर से प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो चाहो तो यहाँ पे श्रीलंका क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इनको थोड़ा सा नीचे भी मेरे हिसाब से बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास काफ़ी यंग यंग प्लेयर है, तो उनको मेरे हिसाब से पहले मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि श्रीलंका इनको थोड़ा नीचे भेजे। फिर यहाँ पे ब्रेन ला रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छा गजब का परफॉर्मेंस इनका रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सीनियर जरूर है, एज से थोड़ा सा सीनियर मैं मानता हूँ, तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चाहो तो यहाँ पे ग्रैंडिंग मैंने ड्रॉप करने का रिस्क वगैरह ले सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो परकिंस के साथ में क्या, परकिंस थोड़ा सा यंग यहाँ पे प्लेयर है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग के पास यहाँ पे सी सिल्वा आपके पास एक और प्लेयर है, इनको आप लोग चाहो तो यहाँ पे ग्रैंडिंग वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो। आप बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे टी डिल्सन के साथ में गया हूँ। डिल्सन की बात करूँ तो आप लोगों को बताया ये भी काफ़ी शानदार ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों जगहों से आपको एक अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट करके देंगे। फिर डेन स्मिथ के साथ में गया हूँ, डेन स्मिथ के साथ आप लोग तो जानते ही हो कि फ्रेंड्स ये रिसेंट ईयर मैच खेल के आए हैं, आप लोग हर कोई जानता है कि कितने अच्छे ये ऑलराउंडर है, बैटिंग से भी आप लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कम बॉलर में आप लोग एक बड़ी इनिंग यहाँ पे खेल के जो दे सकते हैं वो यहाँ पे डेन स्मिथ आप लोग के लिए इस मैच के लिए होने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स एफ महरूप के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई खास यहाँ पे प्लेयर मुझे लगा नहीं, ठीक है, कोई खेलेगा तो टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे रखा, तो आप लोग वहाँ से जाकर सिंपली ज्वाइन हो सकते हो। अब बात करें यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो बॉलिंग सेक्शन में आप लोग देखोगे तो 4 बॉलरों के साथ में गया, पहले नवाता फ्रेंड्स यहाँ पे ए मेंडिस का जो कि रिसेंटली यहाँ पे मैच खेल के आए हैं, ठीक है। अजंता मेंडिस काफ़ी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग करा लेते हैं, आप लोगों को बताऊँ तो फ्रेंड्स ये ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालते हैं और काफी मतलब स्पिच पे मुझे लगता है कि स्पिच के सबसे बेस्ट बॉलर यहाँ पे ये होने वाले, ठीक है। फिर यहाँ पे टीनो बेस्ट की बात करूँ तो फ्रेंड्स टीनो बेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखोगे तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। फास्ट बॉलरों को थोड़ा सा पिच उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है जैसा कि आप लोगों ने कल के मैच में देखा, फिर भी एक आध विकेट में कहता हूँ टीनो बेस्ट यहाँ पे निकाल के आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नवन कुलसेकरा के साथ में गया हूँ, ठीक है, ये भी अच्छे खासे बॉलर है, आप लोग को 1 से 2 विकेट इजीली निकाल के दे सकते हैं, ठीक है, मीडियम पेस से बॉलिंग करा लेते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे एस बैन के साथ में गया हूँ, ठीक है। बैन की बात करूँ तो फ्रेंड्स ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालते हैं और काफी अच्छे बॉलर हैं, आप लोग को इजीली यहाँ पे 2 से 3 विकेट भी निकाल के दे सकते हैं। आप लोग चाहो तो इन्हें ग्रैंडिंग वगैरह में कैप्टेंसी का भी रोल दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों के पास जो और ऑप्शन बचते हैं आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हैर्थ के साथ, आर हैर्थ को आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पी कॉलिंस के साथ आप लोग चाहो तो यहाँ पे पेड्रो कॉलिंस को आप लोग ट्राई करके चल सकते हो, एक अच्छे खासे बॉलर ये भी यहाँ पे है जिनका सिलेक्शन काफ़ी कम है, तो ग्राइंडिंग में आप लोग इन पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हो, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। तो कैप्टनसी फ्रेंड्स हमने सिंपली यहाँ पे डेविन स्मिथ को दी है, जो कि आप लोग को बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करके देंगे। वाइस कैप्टनसी फ्रेंड्स आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा यंग प्लेयरों को जो पहले मौका दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स एज के साथ साथ शरीर भी साथ देना छोड़ देता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे अगर ब्रांड लारा के साथ जाना है तो आप लोग बेशक दिल खोल के जा सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यार उपुल तरंगा को एज ए वाइस कैप्टन यहाँ पे लेना चाहूँगा। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, फाइनल चॉइस। ब्रेन लारा जैसा प्लेयर है आप लोगों को पता है कि कितने कम होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयरों में से इनका नाम भी आता है, तो फ्रेंड्स आप लोग चाहो तो जा सकते हैं ब्रेन लारा के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए हमने यहाँ पे उपुल तरंगा को एज ए वाइस कैप्टन रखा है। आप लोगों के पास और ऑप्शन बचते हैं, यहाँ पे ब्रेन लारा है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जयसूर्य प्रिया थोड़ा सा ओल्ड से हैं, तो मैं कहूँगा कि इनको आप लोग थोड़ा स्किप करके चलिए। ठीक है, यहाँ पे यार आप लोग तीसरा डेल्सन के साथ आप लोग जा सकते हो, ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे ऑलराउंडर है, तो इनको आप लोग चाहो तो यहाँ पे लेके चल सकते हो। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में आप लोग कहूँगा कि अगर आप बॉलिंग सेक्शन में देखना चाहते हो तो एम एंडिस आप लोग के पास एक अच्छी चॉइस है, जो कि इजिली इस मैच में 2 से 3 विकेट में निकाल के दे सकते हो, तो इनको आप लोग चाहो तो यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे के चल सकते हो। अब चलेंगे फ्रेंड्स टीम के फाइनल प्रीव्यू की तरफ, तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारी टीम बन गया। ये काफ़ी अच्छा टीम का कॉम्बिनेशन भी लग रहा है यार। अगर आप लोगों को टीम पसंद आई तो आप लोगों को क्या करना है, सेम टू सेम टीम को आपको कहाँ पे लगा लेना है, बैट बॉल 11 पे फ्रेंड्स। ठीक है, बैट बॉल 11 पे क्यों लगाना है कि आपको यहाँ पे फायदा होने वाला। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बहुत अच्छी टीम बना के भी अगर ड्रीम इलेवन में आप लोग हार रहे हो, आपका लॉस मतलब कवर नहीं हो पा रहा, तो आप लोग उस लॉस को यहाँ पे कवर कर सकते हो। कैसे कवर कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, टीम सेम टू सेम आपको लगा लेना है, वही पॉइंट सिस्टम हो, वही क्रेडिट का क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे रखा, तो आप लोग वहाँ से जैसे डाउनलोड करोगे तो 50 रुपीज़ का आप लोग को इंस्टेंट कैश बोनस उसी टाइम मिल जाएगा। फिर आप लोग जैसे ही इस ऐप में फर्स्ट डिपॉजिट अपना करोगे, आप लोग कितना भी कर सकते हो, जैसे 100 रुपीज़ आप लोग करते हो तो आपके 200 हो जाएंगे। ठीक है, 1000 करोगे तो 2000 हो जाएंगे, 10000 करोगे तो 20000 आपके हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड डिपॉजिट आप लोग करोगे तो 75% आप लोग को कैश बोनस मिल जाएगा, थर्ड डिपॉजिट में 50%, फोर्थ डिपॉजिट में 25% आप लोग को यहाँ पे शानदार तरीके से कैश बोनस मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, देख सकते फ्रेंड्स डिस्काउंट कितना ज़्यादा आप लोग को मिलने वाला है यार इस मैच में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 1399 वाली लीग है, 1349 में मिलने वाली, 49 वाली, 39 में, 555 वाली, 499 में आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर आप हेड टू हेड में जाओगे, जैसे मैंने कहा कि आप लोग अपना लॉस कवर कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड्स आपसे एंट्री फीस कितनी यहाँ पे कम ली जाती है। ठीक है, 5199 पड़े जो लीग है, जो कि ड्रीम इलेवन में आप लोग को मिलेगी 5750 रुपये की, इसी में आप लोग को 551 रुपये यहाँ पे कम देने पड़े। यानी कि अगर आप लोग सपोज दैट फ्रेंड्स आप लोग के पास इतनी एंट्री फीस नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आके कम एंट्री फीस में भी बहुत अच्छा खेल सकते हो। देख सकते हो लोएस्ट एंट्री फीस भी है यहाँ पे, और फ्रेंड्स यहाँ पे कम एंट्री फीस वाले ग्रैंडिंग कॉन्टेस्ट भी है, तो वहाँ पे भी आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत कम है एज पर कंपेयर टू ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन में आप लोगों को बताया यार, आप लोग कितनी अच्छी टीम बनाओगे ना, आप लोग सारे कॉन्टेस्ट यहाँ पे नहीं विन कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट विन कर सकते हो। इसका सिंपल सा रीज़न है कि कॉम्पटीशन यहाँ पे कम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आके इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड इनिंग में भी आप लोग टीम बना के लगा सकते हो। आप लोगों को पता सेकेंड इनिंग में टीम बनाना कितना ईजी है, एक तरफ आप लोग को टीम बनानी पड़ती है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे अपने लॉस को ईजिली कवर कर सकते हो सेकेंड इनिंग में भी खेल के। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इंस्टेंट कैश विड्रॉ की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप लोग उसका भी यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो मोर में जाके आप लोग यहाँ पे कॉल बैक का जो ऑप्शन है, नंबर भी और ईमेल आईडी भी इन्होंने दे रखी है, यानी कि फ्रेंड्स ये 100% ट्रस्टेबल ऐप है। यहाँ पे इन्होंने नंबर भी प्रोवाइड कर रखा, कोई भी दिक्कत आएगी आप कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर हमें मैसेज लिख के रिक्वेस्ट फॉर कॉल बैक आप लोग डाल सकते हो, तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम रहेगी 5 से 10 मिनट में आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, और जो भी आपका इश्यू रहेगा वो यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यार इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताना था, ऑलमोस्ट आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आप लोगों से यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को इस मैच की बहुत सारी शुभकामनाएं।